रहे हैं, दबा दबा के क्यों भर रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर हवा प्रवेश न कर सके। क्या प्रवेश न कर सके? हवा प्रवेश न कर सके। हवा प्रवेश करेगी तो क्या होगा? हवा प्रवेश करेगी तो साइलेज के अंदर फफूंदी लग जाएगी, फफूंद लग जाती है। जैसे कि आप लोग अचार डाल देते हैं, उसके अंदर यदि हवा प्रवेश करती है तभी वो फफूंद पैदा हो जाती है उसके अंदर। यदि आप उसको बंद करके रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। फफूंद कब लग रही है? क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर है, यानी कि नमी की मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी कंडीशन में हमारा अचार खराब हो जाता है। तो वही कंडीशन यहाँ पे साइलेज के लिए भी पैदा होती है कि साइलेज यदि हम बना रहे हैं तो फसल के पहले हमने क्या किया? छोटे छोटे टुकड़े किया। उसके बाद हम उसको क्या है, छोटे छोटे टुकड़े करने के बाद में उस गड्ढे के अंदर भर देते हैं, गड्ढे के अंदर भर देते हैं। गड्ढे के अंदर भरते समय हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए? उसके अंदर हवा प्रवेश न कर सके। क्या प्रवेश न कर सके? हवा प्रवेश न कर सके। क्यों न कर सके? क्योंकि उसके अंदर फफूंदी पैदा हो जाएगी, सड़न गलन पैदा हो जाएगी, वो एक अच्छी साइलेज में नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कहां तक हो गया हमारा सर, सालों या गड्ढों।